इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी पीएससी कोचिंग सेंटर पड़ाव चौक मुगेली। छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है तो जाहिर सी बात है कि देश के अन्य दाता खेती करने हेतु तैयारी में जुट चुके होंगे, लेकिन मुंगेली जिले के किसानों को खेती की तैयारी करने हेतु समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिससे किसान हलाकान व परेशान है। देश के अन्नदाता यानी किसान जिसके उगाए अनाज से ही आज सब दो वक्त की रोटी खाते हैं, रोजमर्रा की दिनचर्या में उपयोग होने वाली सामग्री आज किसानों के मेहनत की ही देन है। लेकिन वर्तमान में किसानों को सुविधा मिलने के बजाय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला है मुंगेली जिले के लोरमी वन्य परिक्षेत्र का, जहां विकास व किसानों के हित में बात करने वाली बीजेपी सरकार की पोल खुलते दिख रहा है। लोरमी वनांचल क्षेत्र के बैगा आदिवासी व अन्य किसान बहुत से समस्याओं का सामना करने मजबूर हैं। क्षेत्र के लगभग 24 गांव के बैगा आदिवासी व अन्य किसानों को शासकीय बीज व खाद लेने 30 किलोमीटर तक का सफर तय कर शासकीय बीज व खाद खरीदी करने आना पड़ता है। किसानों द्वारा इन्हीं समस्याओं को देखते हुए अधिकारियों समेत क्षेत्र के विधायक से पास के गांव में खरीदी केंद्र बनवाने की मांग कई बार किया जा चुका है, लेकिन किसानों के विकास की बात करने वाली मौजूदा सरकार के विधायक होने के बावजूद किसानों की समस्याओं का निदान अब तक नहीं किया जा सका है। साधन के साथ ही साथ ये है कि हम लोग दूरी पर 30-35 किलोमीटर दूरी है यहाँ से, मतलब चुरही, और हम सोच रहे हैं कि चुरही में मतलब केंद्र खुले जाए। ये मांग कितने दिन से किया जा रहा है? ये तो साल भर से ऊपर हो गया, कोई ध्यान नहीं दिए, कोई चीज पर ध्यान नहीं दिए। मैंने कई मरतबे मतलब विधायक जी है और पूरा बड़े बड़े मंत्री है, सब चीजें मतलब हम बोल चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिए। कोई आदमी रोड के बारे में बोले हैं कई बार। कितना गांव के आदमी डोंगरिया आते हैं? हमारे उम्र के कम से कम 10-15 गांव के हैं। 24 मतलब गांव के मतलब जंगल क्षेत्र के मतलब आदमी यहाँ सोसाइटी डोंगरिया आते कहे जाएंगे। तो 4-5 साल से मांग हो रहा है कि पूर्णिया में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो से तो हम लोग कई बार प्रस्ताव वगैरह सब देख चुके हैं, कलेक्टर महोदय भी देख चुके हैं, मीडिया के बड़े प्रभाव सब देख चुके हैं, बोलते ही मंत्रालय से बहरहाल देखने वाली बात होगी कि किसानों की समस्याओं को अधिकारी व जनप्रतिनिधि दूर कर जमीनी स्तर पर किसानों का विकास करते हैं या अंधमुख बने अधिकारी व जनप्रतिनिधि पद के नशे में चूर विकास के नाम पर हवा में गुब्बारे ही उड़ाते रहते हैं। लोरमी से प्रीतम दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, RJA रमझाझर।